अपना जमीर बेचा है और किसने अपना आप लोगों की वजह से शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सुनिए चुप नहीं रहेंगे। आप आवाज दबाना चाहते हो, आवाज दबाना चाहते हो, ऐसे ही पत्रकार होते कहते शांत हो जाओ। सुनिए सुनिए मैडम सुनिए, अभी इस दलाल ने कहा कि शांत रहिए, शांत रहने के लिए आए हैं। अगर आपको ही बोलना है, आपको ही सब करना है तो आप कर लीजिए, हम लोगों की जरूरत नहीं है। हम लोग बोलते रहेंगे, आप मौका दो या ना दो, संसद की ईंट से ईंट बजाते रहेंगे। मनोहर लोहिया ने कहा था ना कि जब सड़कें सुनी हो जाए तो संसद हमारा हो जाता है। युवा जब तक सड़क पे नहीं उतरेगा तब तक संसद में हमारे लोग बैठे रहेंगे। तीसरी तिहाड़ी का सवाल है, ये सुधीर चौधरी तिहाड़ी का सवाल है। इन्होंने कहा योग्यता होगी तब नौकरियां मिलेंगी। अब पैनल पे खड़े होकर दलाली करना कौन सी योग्यता है? यहाँ पे खड़े होकर आपने हाथ में माइक पकड़ लिया, प्रधानमंत्री शांत रहिए, प्रधानमंत्री के समर्थन में कसीदे पढ़ना कौन सी योग्यता है? ना सबका विकास है, अडानी जी का साथ है, जैसा का विकास है और पूरी पूरी जनता का सत्यानाश। का विकास हो गया है भैया, विकास कहाँ है मैडम, विकास कहाँ है? आपका भी तो विकास हो रहा है। विकास कहाँ है, विकास हो रहा है, विकास कहाँ है, तो विकास कहाँ बता दीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए, विकास कहाँ है हमको बता दीजिए। ये विकास है भैया, इस पे भी नरेंद्र मोदी ने टैक्स लगा दिया है, इस पे भी टैक्स लगा दिया है। अच्छा सुनिए सुनिए, रोड पे है युवा, युवा रोड पे आ चुका है। अब ईंट से ईंट बजाने का समय आ गया है। अब ताना साहो की ताना साही नहीं चले, हर धरने में आते हैं, हर धरने में आते हैं, रेलवे में नहीं देखा, हर धरने में हम इसलिए आते हैं क्योंकि अगर हम एक एक करने लगेंगे ना, युवा अपना धरना करने लगेगा, रेलवे वाले अपना, जब सब लोग अपना अपना करने लगेंगे ना, तब काम में जो सब युवा आएगा, किसान के धरने में भी आएगा, युवा महिला के भी धरने में आएगा, युवा जवान के भी धरने में आएगा। जब तक युवा राजनीति में कदम नहीं रखेगा तब तक ही मोदी जी अपनी मनमानी का हल चलाते रहेंगे और उनकी मनमानी का हल हम अपने खेतों में नहीं चलने देंगे। अच्छा भगौड़ा योजना और भगौड़ा योजना और तीसरी योजना आप गिनवाइए मैडम। कितना रोजगार मिल रहा है, कितना रोजगार मिल गया, कितना रोजगार मिल गया, कितना रोजगार मिल गया, कितना। अच्छा एक चीज बताइए, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, क्या रोजगार मिल गया? CMI की रिपोर्ट कहती है कि 43 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास रोजगार था। शांत रहिए, दलाली मत करिए, पहले बोलने दीजिए साहब, बोल। यही होता है। सुनिए मैडम सुनिए, अरे सुन लो महाराज, युवा क्यों नहीं है सड़कों पे अगर रोजगार नहीं है उनके पास? आपको सड़कों पर आपको बोलना है, बोल लीजिए आप। अच्छा नहीं लगता है, ये देखिए, ये सुधीर चौधरी तिहाड़ी का सवाल है, ये सुधीर चौधरी तिहाड़ी का सवाल है। इन्होंने कहा योग्यता होगी तब नौकरियां मिलेंगी। अब पैनल पे खड़े होकर दलाली करना कौन सी योग्यता है? यहाँ पे खड़े होकर आपने हाथ में माइक पकड़ लिया, प्रधानमंत्री शांत रहिए, प्रधानमंत्री के समर्थन में कसीदे पढ़ना कौन सी योग्यता है? पत्रकार का दलाल बने, हिम्मत है, हवा निकल जाएगी। देश में रहना है तो मोदी योगी कहना पड़ेगा। ये आज जैसे दलालों के लिए है, संविधान सेनानियों के लिए नहीं है। देश में रहना है तो जय जवान जय किसान कहना होगा, देश में रहना है तो जय हिंद जय भारत वंदे मातरम कहना होगा। ये जय मोदी योगी वाला नहीं चलेगा। ना सबका साथ है, ना सबका विकास है, अडानी जी का साथ है, जैसा का विकास है और पूरी पूरी जनता का सत्यानाश है। आपका विकास हो गया है भैया, विकास कहाँ है मैडम, विकास कहाँ है? आपका भी तो विकास हो रहा है, विकास कहाँ है, विकास हो रहा है, विकास कहाँ है, तो विकास कहाँ बता दीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए, विकास कहाँ है हमको बता दीजिए। ये विकास है भैया, इस पे भी नरेंद्र मोदी ने टैक्स लगा दिया है, इस पे भी टैक्स लगा दिया है। अच्छा सुनिए सुनिए, जिस देश में शिक्षा पे, कपड़ा पे, दूध दही रबड़ी मक्खन पे, हर चीज पे टैक्स लग जाए उस देश में तानाशाही हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही कांग्रेस में नहीं हुई है क्या? जब इमरजेंसी के बाद पत्रकारों को जेल में डाला गया था वो क्या था? और सवाल जो आज चिल्ला रही है भारतीय जनता तानाशाही थी ना, तभी तो बीजेपी को, अगर बीजेपी तानाशाही करेगी तो फिर कैसे चलेगा? भारतीय जनता पार्टी अब तानाशाही पे अपनी, मैडम उतना तो डलहौजी नहीं किया है, उतना तो सद्दाम हुसैन नहीं किया है, उतना तो हिटलर भी नहीं तपा है जितना हिटलर का पोता पल रहा है।
हिटलर मरते दम तक एक बार झूठ बोल के गया, उसने कभी नहीं बताया कि हिंदुस्तान में मेरा एक पोता पल रहा है। पूरा देश आज मोदी जी को जन्मदिन की बधाई दे रहा, आप क्यों नहीं दे रहे? मैंने दिया भाई, मैंने दिया। मेरे अनुराग ओझा गोंडा ट्विटर हैंडल पर जाके देखिए। अभी आपने शिक्षा की बात की, शिक्षा का बजट तो बढ़ा है ना? अरे भैया शिक्षा नहीं, शिक्षा पे भी टैक्स लगा दिया है 18% की GST। कॉपी किताब पेंसिल कलम पे भी टैक्स लग गया है। ये कलम पे टैक्स इसलिए लगा रहे हैं कि देश से अम्बेडकर और कलाम ना निकले। सुनिए, वो चाह रही है, भाजपा चाह रही है कि इस देश का युवा भारतीय जनता पार्टी और संघ का झंडा उठाए। इस देश का युवा अब जाग चुका है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाला नहीं। भी तो है। देखिए उन्होंने वहाँ पे क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक विशेष धर्म को टारगेट किया उन्होंने। अब बताइए कि हिंदू मुसलमान जब पत्रकार करेगा, पत्रकार जब हिंदू मुसलमान करेगा तो उसके ऊपर FIR होगा ही। ठीक है, कोर्ट में देखिए, कोर्ट में देखिए। आप जैसे लोग सिर्फ इस जनता को भड़का रहे हैं, अंधविश्वास। मैडम देखिए, अगर नकारात्मक बता रहे हैं, देखिए नकारात्मक। मैडम एक चीज बताएं, मुझे वो लोग सुनते हैं जिनको महंगाई दिखती है, मुझे वो लोग सुनते हैं जिन्हें लगता है कि किसान असुरक्षित है, जिन्हें लगता है संविधान असुरक्षित है, जिन्हें लगता है महिला असुरक्षित है। मुझे भारतीय जनता पार्टी और संघ के दलाल लोग नहीं सुनते हैं, मुझे वो लोग सुनते हैं जो संविधान के साथ में हैं। वो बोलते हैं हम कट्टर देशभक्त हैं, दलाल नहीं। कट्टर देशभक्त हैं। मनोज तिवारी ने कौन सा गाना गाया था, देशभक्त है कतार में लगी है भारी भीड़, अब तक नहीं पहुंचे सज रही है भारत की तकदीर। मोदी जी के साथ में है। अच्छा अच्छा, सब मोदी जी चाचा हुए तो हार नहीं, मोदी जी चाचा ना वो पता नहीं, भगवान जाने तो हार हुई कि नहीं। सवाल बयाओ, कहीं की विपक्ष को कोई बड़ा चेहरा ही नहीं है, कोई सेटे नहीं है। मोदी के कतरा बड़ा चेहरा है, अतबर चेहरा है का मोदी के भैया, अतबर चेहरा है, चेहरा जैसे सबके 2 इंच रहा। बीजेपी तो कहा थी कि मोदी जी का चेहरा बहुत बड़ा है, विदेशों तक छाए हैं। ये मैडम ये सब कहावत हुआ, ये सब टीवी अखबार दिखावत है। और ये सब जब जनता के बीच में हकीकत जाने जाबो तो कुछ ना है। मोदी जी धाराशाही हुआ था और उनके सरकार 24 में चौपट हुआ था। 47 तक गई है, 47 संविधान में कहाँ लिखा है कि 47 तक, और मोदी 47 तक जिंदा रही है। का हुई जी मैडम, अगर बचने से और छिपाने से बचता तो मोदी अपन जवानी बचा ले होते। अरे मेरी ना जही है, मेरी है ना कोनो अमर हुई के आए है। प्रधानमंत्री हो तू अशब्द कैसे। मैडम एक चीज बताओ, हम आज बोले थे कल मर जाई, हम अमर हुई के आए हैं, आप अमर हुई के आए हुए है। प्रधानमंत्री के गारंटी लेती हूँ कोई अमर हुई के आवा है देश में। 47 झूठी झूठी अपशब्द कहन है, अपशब्द कहन है। आज 73 साल के होंगे, आज मोदी जी 73 साल के होंगे, आज उनके जुमला सेलिब्रेट कर। अरे मैडम आप क्यों नहीं, क्यों नहीं, कहना है क्यों, ये कहना है क्यों नहीं, धरना जन्मदिन के बधाई देने आवा है, आप कहना है क्यों नहीं, धरना जन्मदिन के बधाई नहीं, नहीं जन्मदिन के बैठ लियो काली हो सवेरन बहुत निक की हुआ। अरे झूठ है, झूठ है नहीं, झूठ है नहीं, झूठ का करें सुनी, का करें सुनी, झूठ है झूठ है। खाओ कसम, खाओ कसम, खाओ कसम, खाओ कसम, अरे कसम खाओ सुनी, क्या करे यहाँ तो करते हैं, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे नेशनल मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया, अपने सुनो बहुत बहुत नाम है इनके। क्या कहे मोदी जी के, मोदी जी कौन है नहीं जानता हूँ। बड़े भाई नहीं तो आप बता दियो मोदी जी कौन है। अब हम तो यहाँ जाने थे कि वो प्रधानमंत्री, तो फिर शिक्षा मंत्री परीक्षा पर चर्चा मोदी जी का है, करते हैं शिक्षा मंत्री क्या है, मोदी जी शिक्षा मंत्री हो जाते, सब मोदी हैं, प्रधानमंत्री क्या है ये बात हमका बताओ। नहीं ऑल इन वन नहीं, मोदी जी कहते हैं एक अकेला सब पे भारी, अमित शाह के पद पे भी भारी है। जैसा के पापा की जरूरत नहीं है, गृह मंत्री भी मोदी जी बन जाते हैं। पंकज सिंह के पापा की जरूरत नहीं है, रक्षा मंत्री भी मोदी जी बन जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की जरूरत नहीं है, शिक्षा मंत्री भी मोदी जी बन जाते हैं। कोटेदारों का तो अरे झोरावा में महाराज है मैडम, ये झोरावा में मोदी अथवा अदबड़ अदबड़ फोटो छपवाए दिन। अब बताओ कोटेदारों की जरूरत नहीं हुआ मोदी, हर जगह मोदी मोदी। अंध भक्त नहीं, गोबर भक्त हूँ, गोबर भक्त हूँ। जैसे 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 गोबरे माँ किरवा घूमा करते है, वैसे देश में अंधभक्त घूमा करते हैं। तू अपने घर चले जी, तो तेरे घर जो चारों एरिया है जगह घर है, क्यों कहते मोदी जी बहुत निक काम है। पूछे जिन्हें कहते हैं, और हमारे गांव सभी जानते हैं, सब पढ़ा लिखा है, आप लोगों की तरह अनपढ़ जाहिल और गंवार नहीं, हमें तो ऐसे लागत है। सवाल की तरह पूछो, एक सवाल पूछो, सब सवाल है और सब है। बीजेपी उठा उठा गांधी हाथ उठाए है कि अब की बार फिर से बीजेपी ना आए हाथ उठाए, लेकिन उससे पहले तो सवाल हाथ उठा लो, टिकटवा मिल जाए, टिकटवा मिल जाए। अच्छा ये मैडम, अच्छा एक चीज बता दो,
तार ब्याह होएगा कि नहीं भाई? ये तो सवाल है। तार ब्याह होएगा कि नहीं होएगा? नहीं, सवाल पूछे थे। ब्याह पर्सनल सवाल। अच्छा, हमसे पर्सनल जाओ कि पढ़े लिखे आए हो या पढ़ते हो लिखते हो? नहीं, हम नहीं जाते। ब्याह होएगा नहीं भाई? ब्याह होएगा कि नहीं होएगा? ब्याह होएगा कि नहीं होएगा? ब्याह होएगा कि नहीं होएगा बता दो। ब्याह होएगा कि नहीं होएगा जनता बता दो। ब्याह होएगा कि नहीं, ये इन्हें बताइए, इन्हें बताइए, इन्हें बताइए, बताओ। हमारे एक सवाल है, ब्याह होएगा कि नहीं? नहीं भाई, अगर आपके ब्याह हो जाए ऐसे दलाली करते रहो तो आपके पति का सेक्रेटरी बना दीजिए। करो दलाली, करो दलाली। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है जेल में काट। सुनो, तो मैडम कहे थे कि दमन में तोहरे दम है कतरा। दमन में तोहरे दम है कतरा देखें है और देखब, और जेल में तोहरे जगह है कतरा देखें है और देखब। अरे जेल भरो आंदोलन अगर करे परे तो मैडम बिल्कुल ये देश के जनता जानती है। जब तक जेल भरो आंदोलन है, संसद भरो आंदोलन, सब आंदोलन न हुए तब तक ये देश के तानाशाही खत्म न हुए। ये देश के संविधान का बचाव खातिर ये सरकार का उछिंद कई देख पे रहे। उछिंद कई देख पे? बिल्कुल उछिंद करे पे रहे। आई के हम कहा कहते इंडिया वाले आई हैं मैडम। आज प्रधानमंत्री बने जो अडानी और अंबानी के चरण चंबुक न बने। देश के जनता सवाल उठावे, वही मैं प्रधानमंत्री कह सकता है।